हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के बजे हैं 8 और 8 बजे से ही लंच की तैयारी। आज मुझे बनाने हैं कढ़ी चावल और ये चिंकी की फरमाइश है। अब चिंकी इतनी अच्छी एक्टिंग करती है तो उसकी फरमाइश मुझे पूरी करनी पड़ेगी। वो बोली, वाह मम्मी कढ़ी चावल। और तो और उसने लहसुन भी छील के रख दिया मेरे पास कि इसका पेस्ट बनाना। तो चलो जी, कढ़ी बनाने की तैयारी मैंने कर दी है। दही पिल रही है और इसमें से हमने देखे घी भी निकाल लिया है, यानी कि मक्खन निकाल लिया है। और अब इसमें घोल बनाएंगे बेसन का। चिंकी बेटा, आटा छानली छल्ली और एक थाली लेके आओ। और चिंकी आज काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है मेरी। प्याज भी कटवाया है, लहसुन भी, और ये मैंने लाल मिर्च भी ले ली है। लेकिन वो बोल रही है कि ज़्यादा चरचरी या तीखी मत बनाना, जिससे कि खाए भी ना जाए। मैंने कहा चटपटी सी खाना, आज कोई बात नहीं, कितने दिन हो गए हैं। और अभी यार उस नहीं उठा है, अभी उठाऊंगी उसे ये कढ़ी छोंकने के बाद में। चलो जी, स्टार्ट करते हैं अपना काम। आज तो अभी तक मैंने चाय भी नहीं बनाई है, चाय बनाऊंगी थोड़ी सी देर में जब सारे के सारे उठ जाएंगे। ले आओ। तो देखिए, चिंकी ने मुझे छलनी और थाली लाकर दे दी थी। मैंने बेसन को छान लिया है। बेसन छानने के बाद में अभी मैंने मट्ठा में डाल दिया है। और मक्खियाँ जो हैं अब हमारे यहाँ पर थोड़ी कम हो गई है, वरना तो एक बार तो इतनी ज़्यादा हो गई थी। हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और जगह जगह हम लोग अलाउट लगा कर रखते हैं, और फिनाइल का, लाइजोल का और सर्फ मिक्स करके जो है पोछा लगाते हैं। तो कई सारे कमेंट्स ऐसे भी थे कि नमक भी डाला करो। हाँ जी, हम नमक भी डालते हैं और फिनाइल की मात्रा जो है उसमें ज़्यादा डालते हैं। और मैंने जो है टाइल्स भी साफ़ की थी, तो तब से जो है मक्खियाँ काफ़ी कम हो गई है। पहले नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, खाना बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया था और खाना भी। तो जी देखिए, यहाँ पर तेल गरम हो गया है। जब तक मैंने बेसन का घोल तैयार किया है मट्ठा में डालकर, अभी मैंने इसमें मेथी दाना और ये लाल मिर्च डाल दी है। आरुषि आ गई है और वो मुझसे कितनी देर से पूछ रही थी, मम्मी आज आप इसका क्या बनाओगे। तो आज तक मैंने घोल इसके सामने इस तरीके से नहीं बनाया। तो ये बोल रही थी, आपने मट्ठे में बेसन गेर दिया, माँ आपको डांटेगी। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, माँ मुझे नहीं डांटेगी, मैं खाना बना रही हूँ। तो बोल रही थी आप इसका क्या बनाओगे। मैंने कहा अभी आप देखते जाओ। तो मैंने इसको छींटे ना लगे इसलिए चारपाई पर थोड़ी सी दूरी पर बिठा दिया है। उसे बोल दिया आप देखते रहो। तो जी यहाँ पर ये देखिए, छोंक लग गया है कढ़ी में। अब मैं इसे लगातार चलाती रहूँगी, लेकिन मैं इसमें पकोड़े नहीं डालूंगी, नहीं आलू और प्याज डालूंगी। बस सिंपल से तरीके से ये मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ आज। और मौसम भी थोड़ा सा सुहावना सा है, हवा अच्छी खासी चल रही है। लेकिन मुझे सब मना कर रहे थे, बादल घिर घिरा के आ रहे हैं, हवाएं तेज चल रही है थोड़ी सी। बोल रहे थे कि अंदर किचन में ही बना लो, यहाँ पर फिर बारिश होगी तो गंदा भी होगा और परेशान हो जाओगे। तो मैंने मना कर दिया था। वहाँ पर 2 रोटी भी सेके तो प्रॉब्लम हो जाती है, जब बारिश आएगी तब की तब देखेंगे। जब तक जितना खाना यहाँ पर बनता है यहाँ पर ही बनाते हैं। तो कढ़ी बातों ही बातों में हमारी पक के तैयार हो गई है। जब कढ़ी के ऊपर पीली पीली सी परत आने लगती है, समझो कढ़ी हमारी कड़ गई है। 3 बच्चों की जिम्मेदारी पिताजी ने उठा ली पढ़ाने की, और जो प्रारंभिक शिक्षा है इनकी, ये गुरुकुल है और इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पूरी होगी। नंदिनी भी इसमें शामिल है और इसने गुरुकुल में ट्रक चलाना शुरू कर दिया। ओ भाई, बी, ये देखो, डबल एन, डबल एन, बोल, चलना तब है, हाँ, बोल, हाँ, हाँ कर रही, शोर क्या थे, कैसे पढ़ रही, उल्टा, ए, सी, नहीं बोलना, सी, ए, हाँ, की, हाँ, सी एटिकेट, बिल्ली सी एटिकेट, सी एटिकेट माने बिल्ली। हाँ, और जब ये बताओ कि भाई एक बिल्ली और आगे पीछे से एक बिल्ली और आगे खड़ी होगी गोद में। बिल्ली है या पंजा मार्ट है? कौन ये बिल्ली? और आती क्या करते हैं? वो भी पंजा मार्ट है। बैठ लो भाई, बिल्कुल हाथी पे बैठा। तू हाथी पे बैठता था ना, ये हाथी आया था, यो आरुष बैठ गया था हाथी में। हाँ। और आरुषि बैठ गया, आरुषि को तो डर लग रहा था। ये सूंड है ना, सूंड हाथी वाला है। गंद प्रसाद, ये भरे का प्रसाद, मट्टी खा ले तू तो। हाँ हाँ नंदिनी, हाँ हाँ हाँ, ये भी पढ़ेगी। सी एटी कैट, कैट मीन्स बिल्ली जी। हाँ।
आर ई आर जी ये क्या है? हैं ये बताओ क्या है? आप बताओ। ये ग्रेप्स है। ग्रेप्स मींस अंगूर। अंगूर है ये पिताजी। अच्छा, अंगूर। अच्छा भाई, हम खा रहे थे वे। मुझे तो अभी नहीं पता वो हम कल खा रहे थे नहीं ना? हाँ कल खा रहे थे इन्हें। मुझे तो अभी नहीं पता वो अंगूर है कहीं। और देखिए जब तक मैं अंदर जो है थोड़ी सी क्लीनिंग करवा रही थी प्रीति के साथ में, मैंने देखा तब तक जो है ये चावल भी उबल गए हैं। अब मैं बस इन्हें पसा दूंगी, यानी कि इनमें से चावल अलग और मांड अलग। आज मैंने बड़ा झरना रख दिया है, चावल मैंने ज़्यादा बनाए हैं। कढ़ी चावल बच्चे जो हैं गर्मी के टाइम में ज़्यादा पसंद करते हैं, और हमारे सारे बच्चों को कढ़ी चावल काफ़ी पसंद है। घर से भी बच्चे सारे के सारे यहीं पर आए थे। मैंने सुबह फ़ोन कर दिया था कि मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ, तुम सब यहीं पर आ जाना बुआ जी को लेकर। तो जी अभी थोड़ी देर में वो भी बस क्लीनिंग वगैरह करके सब कुछ नहा के आ जाएंगे, और फिर तब तक जो है मैं रोटियां सेक दूंगी। कढ़ी चावल बनके तैयार हो गए हैं, और बस मक्खन गरम करना है। आज संडे है, संडे के दिन ही मक्खन को गरम करके हम उसका देसी घी बनाते हैं। और गर्मा गर्म चावल मैंने इसमें रख दिया है, और इसकी पागलपंती देखिए पूरा दिन ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, आप कैसे हो? ठीक हूं मैं भी। हां जी हाँ दवाई तो खा रहे आगे वो। पिताजी दवाई खाओ जाइए, ध्यान रखो जाइए। और सारा परिवार ठीक है? और सोनिया का फ़ोन आया हुआ था, वो पूछ रही थी पापा जी अर निकल लिए क्या। मैंने उसे बोल दिया था कि हाँ चले गए हैं वो लोग, दो घंटे में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर चाचा जी भी आ गए हैं, मैंने इनको खाना लगा कर दे दिया है, और मैं गैस पर रोटी सेक रही हूँ क्योंकि वो लोग भी खा कर गए थे। तो जी ऐसे ही काम चल रहा है, सब लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। माँ की आज थोड़ी तबीयत ढीली है, देखिए जब बुढ़ापा आता है तो थोड़ा दर्द वगैरह हो ही जाता है शरीर में, लेकिन उन्हें मैंने दवाइयाँ दे दी हैं और नाश्ता भी करा दिया है। वो थोड़ा रेस्ट करेंगी फिर नाएंगी, नहीं तो माँ भी बहुत सारे काम हमारे साथ में करवा देती हैं। और ये देखिए मक्खन से देसी तरीके से यहाँ पर बन रहा है देसी घी। चिल्ला 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 पतला 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 बा पता कुछ नहीं, पतले का तो अच्छा बना है। पता कुछ नहीं आज क्या क्या बनाएगा इस किचन में। बाहर भी चल रहा भंडारा, भीतर भी चल रहा। क्या डाल दी घी? अरे देसी घी खराब करा लग रही है। अपने आप उतर जाएगा, ये सब पकड़ दे पहले, अभी कुछ ना लगा हुआ इसमें। दीदी नमस्ते। और ये मक्खन गरम हो गया है, इसकी जितनी भी छाछ थी इसमें वो सारी जल गई है। अब इसका शुद्ध देसी घी थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएगा, और बस थोड़ी सी आँच और इसको लगानी है। और ये देखिए प्रीति ने उतार दिया है इसको, और इस तरीके से ही हम लोग जो हैं दोनों अपना मिल बांट कर काम कर रहे हैं। और इसे 10 मिनट तक भी ऐसे ही मतलब खद्दा लगता रहता है जब इसे नीचे उतार देते हैं। अभी सोनिया का फ़ोन चल रहा है बहुत देर से, पहले वाले में हुई थी कुछ गड़बड़ सी, अब ठीक हो गया। तो देखिए दोस्तों मक्खन से जो है देसी घी बनके तैयार हो गया है। जब तक मैंने अपना दूसरा काम किया, नाश्ता वगैरह सबने कर लिया है, अब मैं इसे छानूंगी। ये हमने ठंडा कर लिया है, और अभी धूप निकल गई है, कभी बारिश हो रही है कभी धूप, तो मौसम जो है ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ पर, गर्मी भी काफी ज्यादा है। तो जी दूध के अकॉर्डिंग ही मक्खन होता है, दूध पीते भी हैं दही भी खाते हैं तो उसी के हिसाब से होता है ये। फिर भी डिब्बा जो है ये देखिए उसमें कम दिख रहा था, इसमें लग रहा है कि जैसे आधे किलो से ज़्यादा हो गया है। और इस डब्बे में से हम यूज करते हैं बच्चों का हलवा बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए। और ये है शुगर पाउडर, यानी कि बूरा हमारी भाषा में बोले तो, इसे मैं इसमें निकाल के रखूंगी डब्बे में। और बच्चे जो हैं बूरा चावल खाते हैं, जय वीरू को बूरा चावल काफ़ी मात्रा में पसंद है, तो अभी अभी मंगवाया था उनके लिए, बूरा ख़त्म हो गया था ये। और वैसे भी
अगर हम देसी घी में खाए तो और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। हमारे घर में जो है कई बंदों को शौक है पूरा चावल खाने का, को मैंने डब्बे में कर दिया है। अभी मैं सेकूंगी रोटियां और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। इसे चावल ज्यादा पसंद आ रहे हैं देखे। पहले थोड़े से खा के क्या लगा था पेट भर गया, तो फिर कह रहा भूख लग रही। ए वहाँ चढ़ जा सब तो ऊपर अलमारी में, वहाँ बैठ कर देख, वहाँ सब सब ऊपर अलमारी में जहाँ बाबा दादी की तस्वीर है वहाँ बैठ जा। मासा बैठ जा नीचे, गिर जा गया नहीं देख लो वहाँ चढ़ कर खड़ी या बैठा, वहाँ बैठ जा। और इधर हम लंच कर रहे हैं और यहाँ पे कढ़ी चावल का लंच हो रहा है। ये मैं हूँ, ये मेरे सारे भाई बहन है और यहाँ पे लंच की पारी हो रही है। और पूजा जो है इन्हें सर्व कर रही है, इधर है। और मैंने खाना बना कर तैयार कर दिया, मैंने कहा भाई ले लो और खा लो जाओ, मुझे लग रही गर्मी। प्याज कढ़ी चावल बना भंडारे जैसे एकदम, भंडारे में जाओ तो 2 साल हो गए अब तो भंडारों को भूल जाओ, भंडारों को भूल जाओ और घर के कढ़ी चावल खाओ। 2019 में गई थी भंडारे में आखिरी बार, उससे जब तक क्वारंटाइन वो हो रहा, COVID-19 चल रहा जब से गई। चिंकी तेरा क्या एक्सप्लेनेशन है कढ़ी चावल कैसे बनने? इन्हें तो खा भी लिए एक बार पहले, दोबारा नंबर ले यार, तो सांझ लो देखिए कहीं बल्ले में कि नंबर आज वहां जाओ जागी बाथरूम के धोरे एक कमरा है वो उसमें अरे खाओ जागी खाना पीने का काम हो गया है और अब सब लोग जो है अपनी मस्ती में मस्त है, कोई किसी चीज में व्यस्त है और कोई किसी चीज में व्यस्त है। इधर पूजा जो है वो नंदिनी को ले रही है। आगी पूजा तेरे पे तो आ जा अब ये जानने लगी। और इधर बुआ जी आराम फरमा रही है, बुआ जी सो गई है, रात को भी तो 11-12 बज जा बुआ जी को मर जा तो जी अभी हो गया है वीडियो एडिट करने का टाइम और गुड्डू के पापा गए हैं आज बाहर, यानी कि सोनिया के यहाँ पर मिलने के लिए। सोनिया का मन था वो तो आई नहीं किसी कारणवश, घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो जी आज भाई साहब और इसके पापा गए हैं गुड्डू के, और खाना सब लोगों का यहीं पर था, सब ने खाना खा लिया है, बस गगन रह गया है वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा। अंकित और पूजा और बुआ जी जो है घर चले गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का भी यहीं पर कर देते हैं एंड और आपसे मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।